जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने की ऐसी हरकत जिसे देखकर साईं बाबा स्वयं आकर उसे सिखाना पड़ा सबक, देखने वाले रह गए दंग। आप देख रहे हैं साईं जीवन माला। यह कहानी है गोलू प्रताप सिंह जी की। उन्हें बचपन से ही कई दुखों का सामना करना पड़ा था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिद्धार गए थे, जिसके कारण वह दर दर भटकने लगा। उसके कोई भी रिश्तेदार भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद वह सड़कों पर काम के लिए दर दर घूमने लगा। एक दिन रियाज नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो गोलू उसके काम मांगने के लिए उसके पैरों पर गिर गया। रियाज ने उसे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे एक काम दिलवाऊंगा। यह सुनकर गोलू बहुत ही काफी खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके पीछे राशिद के बहुत ही गलत इरादे हैं। दोस्तों, लेकिन गोलू बचपन से ही साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उनका मानना था कि साईं बाबा कभी भी उनके साथ बुरा नहीं करने देंगे। रियाज ने गोलू को एक अपने घर में टीन के रूम में रहने का कमरा दे दिया, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश था। अगली सुबह रियाज ने उस लड़के को कहा कि आज से तू मेरे घर का काम करके एक और काम करेगा। गोलू ने बहुत जोर से कहा, हाँ वह सारे काम आसानी से कर लेगा। उसने उनके घर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रियाज ने कहा, गोलू मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, तुम दिन के समय फ्री रहते हो, क्यों ना तुम कुछ और भी काम कर लो। गोलू ने कहा, जी हाँ बताइए, मैं दूसरा काम करने के लिए भी तैयार हूँ। रियाज ने कहा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा जहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा। यह सुनकर गोलू बहुत ही खुश हुआ। अगले दिन जब गोलू अपना पूरा सारा काम निपटा दिया, और राशिद उसे रोड पर ले गया और उसे कहने लगा कि तू घूम घूम कर भीख मांग। यह सुनकर गोलू को अजीब लगा। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हो, मैं भीख नहीं मांग सकता, आपने कहा था कि आप मुझे काम दिलवाओगे। रियाज ने कहा, तू हिंदू का खून है, मैं तुझसे काम करवाऊंगा, मेरा दिमाग खराब है क्या, मेरा तो यही काम है, तुम जैसे बच्चों को पकड़ कर लाना और तुम जैसे बच्चों को सड़कों पर भीख मंगवाना। गोलू यह सभी बातें सुनकर रोने लगा। रियाज ने कहा कि अगर तूने यह बात किसी और को बताई या फिर भीख नहीं मांगी तो मैं तेरा हाथ पैर दोनों काट दूंगा, तू पूरी जिंदगी किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। रियाज की ऐसी बातें सुनकर गोलू काफी डर गया और भीख मांगने लगा। ऐसा गोलू ने करीब 2 महीनों तक किया। एक खास दिन साई जयंती के दिन साईं बाबा के मंदिर के सामने गोलू को रियाज ने भीख मांगने के लिए बैठा दिया। तभी एक व्यक्ति आया और गोलू से पूछता है कि तुम यहाँ पर भीख क्यों मांगते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रियाज गोलू के सामने खड़ा हुआ था, इसीलिए वह कुछ नहीं कहा। गोलू को धूप में बैठा नहीं जा रहा था, इसीलिए वह रियाज से कहा, आज मैंने इतनी ही कमाई की है, आप मुझे मेरे खर्चे के पैसे दे दो। इस बात को सुनने के बाद रियाज को गुस्सा आ गया और वो गोलू को चाकू दिखाकर मारने की कोशिश करने वाला था। तभी अचानक इतने में ही वह आदमी वहां पर पहुंच गया और चाकू को उसके हाथ में देखकर तुरंत ही वह रियाज से चाकू छीन लिया। रियाज को बहुत ही गुस्सा आया और वो उससे लड़ने लगा और अचानक ही बारिश होने लगी। तभी उस व्यक्ति ने रियाज को काफी दूर धक्का दिया और रियाज जमीन पर गिर गया। उस दौरान रियाज ने देखा कि उस व्यक्ति के पीछे साईं बाबा बहुत ही गुस्से से खड़े हुए हैं। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसके बाद रियाज ने उससे माफी मांगी और उसके बाद उस शख्स ने गोलू को अनाथ आश्रम ले गए और वहीं पर गोलू को रहने को कहा। इसके बाद गोलू ने उस शख्स का और भगवान का धन्यवाद दिया और साईं बाबा का धन्यवाद किया। एक दिन उस शख्स को ढूंढते ढूंढते गोलू मंदिर पर गया और वहाँ पर पुजारी से पूछा। पुजारी बोला, पुजारी जी यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसने साईं जयंती पर मेरी मदद की थी, मैं आज उससे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने हंसते हुए कहा, उन्होंने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या यही है वो जिसने तुम्हारी मदद की है। वहाँ पर बैठे पुजारी ने बताया कि हर साईं जयंती में साईं बाबा अपने परेशान भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं, उन्होंने ही तुम्हारी मदद की होगी। यह सुनकर गोलू हैरान हो गया और बहुत ही खुश भी था। इसके बाद गोलू हर गुरुवार को साईं बाबा के उसी रूप को देखने के लिए वहां पर इंतजार करने लगता है। वहां के पुजारी के मुताबिक वहां पर साईं बाबा इंसानी रूप में अपने सभी भक्तों की मदद करते हैं। आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।